हमारे देश में ऐसे कई छात्र हैं जो सोते जागते सिर्फ आईएएस बनने का सपना देखते हैं। ऐसे छात्रों के लिए जीवन का हर मोटिवेशन सिर्फ इस बात से आता है कि उन्हें एक दिन आईएएस बनना है। ऐसे में कई बार ये स्वाभाविक है कि वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते समय भी यही सोचें कि कौन सा विषय उन्हें आईएएस बनने में मदद कर सकता है। कई बार ऐसी परिस्थिति में वो कन्फ्यूजन के भी शिकार हो जाते हैं। यदि आप भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका मिशन जेपीएससी एग्जाम क्लियर करना भी है तो हमारे खास यूट्यूब चैनल मिशन जेपीएससी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस की तैयारी के लिए ग्रेजुएशन में कौन सा विषय लें। तो दोस्तों, वैसे तो यूपीएससी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने स्नातक किस विषय से किया है, वो देश के सभी छात्रों को एक बराबर मौका देती है। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे कुछ विषय हैं जिनके छात्रों को इस परीक्षा में सफल होने की संभावना अधिक होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ विषयों के बारे में। सबसे पहला विषय मानविकी। तो यूपीएससी की तैयारी में मानविकी या ह्यूमैनिटीज एक ऐसा विषय है जिसकी पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा मात्रा में आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो मनुष्य की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। हालांकि लगातार मानविकी विषय से पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट्स सफल रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में मानविकी विषय को चुनने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में कमी आई है। और अब बात करते हैं सेकेंड विषय की, और वो है इंजीनियरिंग। तो पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की सफलता का अनुपात बहुत बड़ा है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में आईएएस टॉपर्स का अगर हम अवलोकन करें तो ये स्पष्ट होता है कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का इस परीक्षा में प्रभुत्व है। हालांकि वैकल्पिक विषय के रूप में इंजीनियरिंग विषय का चयन करने वाले उम्मीदवारों का सफलता अनुपात अन्य विषयों की तुलना में कम है, लेकिन अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि टॉपर्स टेक्निकल विषय का चयन करके ही सफल हुए हैं। नेक्स्ट विषय है विज्ञान। तो विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार लगातार आईएएस के एग्जाम में सफल होते रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक सोच और टेक्नोक्रेट की वजह से विज्ञान विषय वालों की संख्या भी अब आईएएस के रूप में लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मेडिकल। हालांकि मेडिकल साइंस के छात्रों के लिए आईएएस की तैयारी करना दो नावों की सवारी करने जैसा होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस के सिलेक्शन से आईएएस की राह आसान नहीं हो जाती। लेकिन ये बात भी सच है कि हर साल निश्चित संख्या में इस वर्ग के स्टूडेंट्स ने इन परीक्षाओं में सफलता पाई है। ज्यादातर मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स अपनी राह नौकरशाह बनने के लिए नहीं बदलते, पर जब वो ठान लेते हैं तो सफल होकर ही दम लेते हैं। और यही कारण है कि इनकी संख्या में धीमी लेकिन स्थिर बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कॉमर्स। तो ये एक बेहद प्रोफेशनल कोर्स होता है और इसीलिए इस विषय के छात्र आईएएस की परीक्षा की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम निश्चित रूप से बीकॉम और एमबीए पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं। हालांकि अब यूपीएससी परीक्षा में तर्क, गणित, डेटा की व्याख्या और निर्णय लेने की क्षमता जैसे सेक्शन शामिल किए गए हैं, जिससे कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट होता है। हालांकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में किसी खास सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। यूपीएससी में सफलता सिर्फ और सिर्फ जुनून और कड़ी मेहनत से ही हासिल की जा सकती है। आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं और आईएएस ऑफिसर बन भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी और टीजीटी चयन परीक्षा के लिए तैयारी, तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर, जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके।
ये बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं अपना लक्ष्य।